हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोनोपोली बिजनेस स्टॉक को जिसके अंदर पोटेंशियल है आपका पैसा डबल करने का। स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हम केवल टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक का करने वाले हैं और परफॉर्मेंस देखने वाले हैं और चार्ट पर लेवल देखेंगे किस तरीके का प्राइस मूवमेंट हो रहा है और आपको बाइंग अप्रोच क्या रखनी चाहिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाला है। मेरा काम है आप लोगों के लिए जो भी स्टॉक नीचे के लेवल पर चल रहे हैं या फिर जिन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन रही है वो आपके साथ शेयर करना। बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका होने वाला है, तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं आज क्या हुआ मार्केट में। आप लोग देखें ये वाला, ये सर्कल आप लोग देखिएगा। तो इसमें अगर आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग कहाँ दी है, हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। यानी कि टेक्निकली क्या होना चाहिए, कल के मार्केट में इसके नीचे अगर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी फिर से 16,970 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है और अगर नॉर्मल करेक्शन हुआ तो यहां से वापस बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। तो 16,970 का लेवल नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और ये अच्छी चीज है, देखिए इस तरीके से रैली आई थोड़ी और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज अगर आप लोग देखोगे तो डाउ जोन्स अभी देखिए इसका क्लोजिंग 1 बजे होगा लेकिन अभी 0.85% डाउन चल रहा है, यानी कि निफ्टी में भी इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो कल निफ्टी भी कल नीचे की तरफ ओपन हो सकता है, तब भी आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। ऑपरेटर को अगर ज्यादा से ज्यादा पैनिक करवाना होगा तो वो इस रेंज में, आप लोग देखिए 16,970 और 16,700 इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं गेम प्ले होगा। तो आपको क्या कंसंट्रेट करना है, आपको कंसंट्रेट करना है अगर आपके पास अमाउंट है और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केवल और केवल क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और बाय इन पार्ट्स करना है। ऐसा नहीं कि 16,970 देखा और सीधा पूरा पैसा लगा दिया। देखिए मार्केट का टॉप और बॉटम कोई भी नहीं पता लगा सकता एग्जैक्ट कहां पर बॉटम बनाएगा कहां पर टॉप बनाएगा, ये किसी को नहीं पता होता है। हम लोग केवल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे रेफरेंस लेवल के लिए होते हैं, कहीं ना कहीं इसके बीच में सस्टेन करने की कोशिश करेगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि ऐसा होगा ही होगा, स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आप लोगों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे स्टॉक के बारे में। ऊपर की तरफ आप लोग देखेंगे अब जब भी ये वाला लेवल ब्रेक होगा ना 17,350 का, तो उसके बाद 17,500 का लेवल आपको इजीली दिखेगा। तो इस लेवल का भी अगर मैं आपको ब्रीफ से अगर एक पैटर्न बन रहा है, ये लोग जो वीडियो पूरा देखेंगे उनके लिए अच्छा रहने वाला, उनको एक आइडिया लगेगा किस तरीके से। मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा जिससे आप लोगों को आइडिया लगेगा। बीच में हमारे पास अब देखिए 17,355 का लेवल आया और आया है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस उठाकर देख लीजिएगा, सभी वीडियो में लाइंस यही वाली ड्रॉ की हुई है, लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये मैं आपके साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ये वाला जो है पैटर्न आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। आप लोग देखिए ये कुछ इस तरीके से बन सकता है, ये कुछ इस तरीके से कप एंड हैंडल बन सकता है। और अगर ये ऐसा होता है, देखिए ऐसा होगा ही होगा ये हमें नहीं पता, केवल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो निफ्टी का जो टारगेट बनेगा वो कितना टारगेट बन रहा है, वो टारगेट आ रहा है लगभग लगभग 19,000 के आसपास में। यानी कि चार्ट पर पैटर्न एक तरीके से सेटअप हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल के अंदर कवर हो जाता है। तो आप लोग इस पैटर्न का जो टारगेट देखा उससे क्या लग रहा है, निफ्टी फिर से अपना जो पिछला हाई बनाया था ना उस हाई को वापस से ब्रेक करने का कोशिश करेगा। और ब्रेक तो निफ्टी हाई ब्रेक करेगा ही करेगा ये तो फिक्स है, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, तो वो वाला पेशेंस आप लोगों को चाहिए बस।
पेशेंस अगर आपके पास है, क्वालिटी बिजनेस और क्वालिटी स्टॉक अगर आपके पास है, तो पैनिक होने की कोई दिक्कत ही नहीं है, बस बोरो करके पैसा नहीं लगाना है। अब स्टॉक के बारे में देखते हैं। स्टॉक का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। 1492 का प्राइस चल रहा है और आज के दिन की बात करें तो 2.70% डाउन है। आप लोगों के जितने भी डीमेट अकाउंट ओपन हुए CDSL से टाई अप है ना, CDSL के अंडर ओपन हुए हैं। तो मोनोपोली बिजनेस है इस कंपनी का, इसका बिजनेस हमेशा चलते रहने वाला बिजनेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन आप लोग देखेंगे जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अधिकतर लोग जो है फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी, उनको अवेयर होंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक में, तो डीमेट अकाउंट तो ओपन करवाना ही होता है और उसमें CDSL मार्केट लीडर है, तो अच्छा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। 1 वीक की अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अब शॉर्ट में फटाफट वीडियो को एंड करते हैं हम लोग। 1 वीक की बात करते हैं तो 0.70% का रिटर्न है। अगर 1 मंथ की बात करें स्टॉक नहीं चला है ज्यादा, 1 साल की बात करें पैसा डबल किया है, 5 साल की अगर बात करते हैं तो 470% का रिटर्न है, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 470% का ही रिटर्न है। जुलाई 2017 से इस कंपनी ने 5 साल के अंदर 470% का रिटर्न दिया है, तो आप लोग सोच सकते हैं कंपनी के अंदर कितना पावर है। अब सीधा चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। अब ये स्टॉक मैं आपके साथ किस लिए सजेस्ट कर रहा हूं वो आप लोग देखिएगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, स्टॉक ने क्या किया, एक पैटर्न बनाने की कोशिश की जिसका टारगेट 2033 का आ रहा है, और CDSL देखिएगा आप ये वाला टारगेट अचीव करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए यहां पर इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, यहां पर ब्रेकआउट भी आ गया और उसके बाद ऊपर जाने की तरफ कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ये वाला रेजिस्टेंस बन गया, ये वाला तीसरी बार बन गया, ये वाला अभी जो आया इसके आसपास में घूम रहा है, ये फोर्थ टाइम है। और नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट कितना रहा है, 1440 का, 1440 का लेवल नोट डाउन करके रख लीजिएगा। 1440 और 1450 के आसपास में CDSL का स्टॉक अगर मिलता है तो अगर जिनको भी फ्रेश एंट्री करनी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इवन आप प्रेजेंट प्राइस से भी एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं, 1440 पर ऐड कर सकते हैं, और 1440 के अगर नीचे जाता है तो आप लोगों को 1330 1320 से पहले एवरेज नहीं करना है, और वो वैसे तो आना नहीं चाहिए, 1440 के आसपास से ही रिवर्स कर जाना चाहिए, लेकिन इस बार अगर वापस से रिवर्स करके इस लेवल को तोड़ा अगर 1620 का, तो ये स्टॉक बहुत इजीली बहुत फास्ट तरीके से 2000 की तरफ जाता हुआ आप लोगों को नजर आने वाला है। ये चार्ट पर क्लियर कट नजर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है CDSL के अंदर। मोनोपोली बिजनेस भी है, चार्ट पर भी लेवल सपोर्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है इस स्टॉक का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और वीडियो इसी तरीके से अगर आप लोगों को चाहिए, इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग से अगर वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई भी स्टॉक की क्वेरी हो स्टॉक आप कमेंट बॉक्स में नाम डाल दीजिएगा, मैं वीडियोस बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।